हेलो गाइस, बगिस्टा भी आपका स्वागत है। मैं आपका अखिलेश। आज हम लोग इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ क्या होता है वो देखने वाले हैं। ओके, एंड टाइप ऑफ देखने से पहले ये जो यहाँ पे डेटा टाइप दिया गया है लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, डेट, डेट, एरे, आप सब देख रहे हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आप डेटा टाइप के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो तो आप जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी इस चैनल में जाके फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो देख सकते हो। इससे आपको डेटा टाइप क्या होता है वो आपका पॉइंट क्लियर होगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर होगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि लाइक यहाँ पे डेटा टाइप जो मैंने दिया है उसका क्या मेन पर्पज है। ओके, तो चलते हैं, टाइप स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले फाइव टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। एंड सेकेंड है सिक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें भी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं लाइक यहाँ पे डेट है, एरे, स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन। तो इस डेटा टाइप और इस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं तो इसके पास प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसमें प्रॉपर्टीज होती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पे दिया है लाइक टू टाइप ऑफ नल कंटेनिंग वैल्यू, जो इसमें नल कंटेन हो सकते हैं वो दो टाइप का होता है, नल एंड अनडिफाइंड। ओके, ये आपको पॉइंट क्लियर है। नाउ चलते हैं टाइप ऑफ के पास। तो टाइप ऑफ मेन क्या करेगा कि जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या जो हम लोग वैल्यू यूज करने वाले हैं उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जांपल दिखाऊं मैं, तो सिंपली आप ध्यान देना यहाँ पे। ओके, इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ पहले, थोड़ा जगह हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे एक यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 10 दिया। ओके, एक वेरिएबल जे लिया, इसके अंदर मैंने 20 दिया। वेरिएबल नेम ले रहा हूँ मैं, ओके, नेम दिया, इसके अंदर मैंने दिया यहाँ पे अखिलेश। चलो, अभी यहाँ पे अगर हम माउस लगते हैं तो ये मुझे बताता है कि वेरिएबल जो आई है वो क्या है, नंबर है। वेरिएबल जे है वो नंबर है, वेरिएबल नेम क्या है वो स्ट्रिंग है। चलो, ये तो जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो फीचर्स है ये तो इसका है, विजुअल स्टूडियो कोड का है जो हम लोग को बता रहा है। बट हम लोग अपने कोडिंग में जावास्क्रिप्ट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस जो वेरिएबल डिक्लेयर है इसका डेटा टाइप क्या है, वो कैसे मालूम पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ है, जैसे हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग मारेंगे अभी। ओके, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो भी चलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर हम पास करेंगे टाइप ऑफ आई, कि आई का टाइप ऑफ क्या है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पेज पे रिफ्रेश मारते हैं तो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे नंबर है। को थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर है। अगर मैं यहाँ पे जे यूज करता हूँ तो जे क्या है, वो भी नंबर है। ओके, यहाँ पे मैं नेम यूज करूँगा तो नेम क्या है, यहाँ पे नेम स्ट्रिंग है। तो आप समझ पा रहे हो, मतलब अब कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका डेटा टाइप क्या है, किसकी किस हेल्प के थ्रू से, इस टाइप आपके थ्रू से। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक, हाँ ठीक है, स्पेस दिया वहाँ पे थोड़ा। ओके, उसे तो लाइन चेंज होना चाहिए बट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे जो नेम नेम टाइप ऑफ है मेन, वो क्या किया उसने, एक ऐसे आइडेंटिफाई किया कि लाइक इसका डेटा टाइप क्या होता है। ओके, नाउ अभी तो हम लोग इस पर चलते हैं तो आपको पॉइंट क्लियर होगा कि क्या है एक्चुअली ये। तो यू कैन यूज द टाइप ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड द रेयर टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टाइप ऑफ मैंने अगर नाम पास किया तो मुझे क्या बोलेगा, ये स्ट्रिंग है। टाइप ऑफ 3.14 पास किया तो क्या है, नंबर है। NaN नॉट अ नंबर, ये क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर का, नंबर टाइप का होता है, ये भी डेटा टाइप का होता है। 1, 2, 3 एरे के अंदर है, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में एरे एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे अगर माई डेटा यूज़ कर रहा हूँ और डिफाइन नहीं है अभी तक, तो मुझे क्या बोलेगा, वो अनडिफाइन है। जैसे अब यहाँ पे देख लो, सिंपली ये नेम, टाइप ऑफ नेम क्या आ रहा है अभी, ध्यान देना, टाइप ऑफ नेम यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, टाइप ऑफ नेम यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। अगर मैं इसको कमेंट मार दूँ, ओके, तो टाइप ऑफ नेम क्या आएगा, आप ध्यानना, यहाँ पे अगर मैं इसको लाइक पहले आई करता हूँ तो यहाँ पे क्या दे रहा है, नंबर दे रहा है, और मैंने आई को कमेंट किया तो भी क्या दे रहा है, मुझे अनडिफाइन दे रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हो, अगर जो वेरिएबल मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ या मैं लाइक
एबीसी यूज करो, एबीसी मैंने डिक्लेयर नहीं किया है तो मुझे क्या देगा वो अनडिफाइन है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं नेम को प्रिंट करूँगा तो नेम मुझे क्या बोलेगा वो, नहीं नेम डिफाइन है तो उसका डेटा टाइप क्या वो बताएगा। मतलब सिंपली आप जो वेरिएबल यूज करोगे वो डिफाइन है कि नहीं अनडिफाइन है तो वो आप चेक कर सकते हो। देखो अभी ये आपको हेल्प कहाँ करेगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके। जैसे अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ लाइक आई एन जे, ओके। और मैं जो यहाँ पे प्रिंट करूँगा मैं बोलूँगा यहाँ पे लाइक इफ, सॉरी मैं यहाँ पे वेरिएबल के इज इक्वल टू आई प्लस जे कर रहा हूँ, ओके। के इक्वल टू आई प्लस जे कर रहा हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं बोलूँगा यहाँ पे लाइक ये को प्रिंट किया। ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आपको आउटपुट आएगा 30, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है I प्लस जे हो रहा है तो यहाँ पे 30 आया। और यहाँ पे अगर मैंने I को कमेंट कर दिया तो ये आपका क्या होगा, आउटपुट नहीं आया बिकॉज यहाँ पे एरर आ गया है। अगर आप कंसोल में चेक करोगे तो आपको एरर आ गया यहाँ पे कि I इज नॉट डिफाइंड। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि लाइक इफ I या टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू अनडिफाइन, ओके। टाइप ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइन तो इसके अंदर आए और इसको ऐड करें। मतलब इसको क्या होगा कि आप पॉसिबिलिटी अब निकाल सकते हो कि इसका बोलते ना इसका एक्चुअल यूज कहाँ होता है। अब ऐसे बोल सकते हो कि लाइक कुछ किसी का डेटा वेरिफिकेशन करना हुआ कि इसका अनडिफाइन ना हो तो अंदर जाए, ओके। तो देखो एरर नहीं आया, अभी आपका आउटपुट नहीं आया बट आपको एरर भी नहीं आया पेज में, ओके। तो यहाँ पे एक कॉमन मैसेज देख सकते हो कि लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, समथिंग इज मिसिंग। जो भी मैसेज आपको देना है समथिंग इज मिसिंग, तो ये आपका एक मस्त ए भी डिफाइन कर सकते हो, इसका जो वेरिएबल है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे एरर भी नहीं आया देखो कंसोल में और मैसेज भी आया, ओके। नाउ चलो अब मैं आई को डिफाइन कर दिया, ओके, 30 आ गया। बट अगर आई आपका मैं डबल कोट में कर दिया तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 10-20। अब ये रॉन्ग है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लाइक इफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू नंबर रहे तो ही अंदर जाए, ओके। मतलब समझ पा रहे हो, ये कोडिंग थोड़ा एडवांस लेवल पे है और यहाँ पे लाइक जब प्रॉपर जो कोडिंग होता है तो प्रॉपर वेरिएशन साथ होता है। तो यहाँ पे देखो अगर आपको यहाँ पे अभी आउटपुट कुछ नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे आया, यहाँ वेरिएशन फेल हुआ तो नीचे आया। तो यहाँ पे अगर आप एल्स में है यहाँ पे दिखा सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। तो सिंपली बोल दे यार कि लाइक आई इज नॉट अ नंबर, ओके, आई इज नॉट नंबर। बट जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, इसको एज ए नंबर में किया, तुम्हारे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, समझ पा रहे हो। तो इसका मीनिंग ये हो रहा है यहाँ पे कि टाइप ऑफ आपका एक्चुअल देखो कितना हेल्प कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ये मैं जैसे आपको एक सिनेरियो बताया कि आप ऐसे ऐसे इसको वेरिएशन लगा सकते हो, ओके। तो चलते आगे थोड़ा, तो ये सब इसका डेटा टाइप होता है, इसका यूज करने का सिंपल तरीका है, टाइप ऑफ दो, आगे वेरिएबल या वैल्यू दो, उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा, ओके। नाउ प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, ऐसे डेटा टाइप, ऐसे वेरिएबल जिसमें खाली वैल्यू हो, कोई प्रॉपर्टीज ना हो, लाइक स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, ओके, फॉल्स भी एक बुलियन है, माई वेरिएबल अनडिफाइन, ये सब क्या है, एक सिंगल वैल्यू हो, कोई प्रॉपर्टीज नहीं इसके अंदर। तो प्रिमिटिव डेटा वैल्यू इज ए सिंगल सिंपल डेटा वैल्यू, ओके, विथ नो एडिशनल प्रॉपर्टीज एंड मेथड। इसके अंदर स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन एंड अनडिफाइन, ये चार आता है। सो याद रखो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर चार डेटा टाइप आते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन एंड अनडिफाइंड। नेक्स्ट है अपना कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स एक ऐसा होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज हो समथिंग, लाइक टाइप ऑफ दिस, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, राज, एज एंड 34, तो इसमें प्रॉपर्टीज दो है, नेम एंड एज, इसकी वैल्यू है बट इसमें दो प्रॉपर्टीज भी है, ओके। एरे में भी इंडेक्स होता है, ओके, अरे बट अरे एरे एरे नहीं है बट एरे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एरे ये होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट एरे इज एन ऑब्जेक्ट,
इसलिए इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, नल भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके माई फंक्शंस ए अगर डिक्लेयर करोगे, ये भी फंक्शंस है, इसके अंदर भी लाइक कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। तो ये सब जो डेटा टाइप यहाँ पे देख पा रहे हो, फंक्शंस इन ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। तो प्रिमिटिव में प्रॉपर्टीज नहीं होती, वैल्यू ओनली वैल्यू होता है, इसके अंदर वैल्यू से आपको प्रॉपर्टीज मिली है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना इसको। ओके नेक्स्ट पॉइंट है, अभी टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ क्या कर रहा है, सबका डेटा टाइप बता रहा है, बट इसका डेटा टाइप क्या है, खुद टाइप ऑफ का। ओके अगर ये आपको ध्यान देना है, ध्यान देना, इसका डेटा टाइप नहीं होता है, सिंपली आप समझो, तो द टाइप ऑफ ऑपरेटर इज नॉट अ वेरिएबल, पहले आप ये ध्यान दो। टाइप ऑफ क्या करता है, किसी वेरिएबल या किसी वैल्यू का डेटा टाइप बताता है, बट एक खुद वेरिएबल ही नहीं है, इट इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर समझ पा रहे हो, इट इज एन ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये भी एक ऑपरेटर है, इसका कोई डेटा टाइप नहीं होता। ऐसे टाइप ऑफ भी एक ऑपरेटर है, इसका डेटा टाइप नहीं होता, बट जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो इसका जो आउटपुट आता है वो स्ट्रिंग में आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं टाइप ऑफ, लाइक अगर आप इसका कंसोल चेक करोगे, यहाँ पे बताऊँ मैं, तो टाइप ऑफ मैंने दिया कोई भी आई दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। टाइप ऑफ जे क्या था अपना, नंबर था। टाइप ऑफ के क्या था, नंबर था। टाइप ऑफ नेम क्या था अपना, स्ट्रिंग था। तो इसका जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट देखो, आउटपुट किस में आ रहा है, एक सिंगल कोट में आ रहा है, समझ पा रहे हो। टाइप ऑफ डबल कोट में कुछ पास कर दिए, तो ये जो इसका आउटपुट आ इधर इधर है, अब ये नोटिस करो, जो नीचे आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो एक सिंगल कोट में आ रहा है, मतलब वो स्ट्रिंग है। ओके तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, बट इसका खुद का डेटा टाइप नहीं होता, एक ऑपरेटर है। तो जो टाइप ऑफ है वो क्या करेगा कि कंटेनिंग द टाइप ऑफ द ऑपरेंड, अभी ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर इन ऑपरेंड। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे k इज इक्वल टू आई प्लस जे, तो यहाँ पे प्लस जो है और इक्वल टू है, एक ऑपरेटर है। ओके और जो k आई जे है वो क्या है, ऑपरेंड है। तो जो टाइप ऑफ है वो खाली ऑपरेंड का डेटा टाइप बताता है बस। ओके ये आप समझो, तो टाइप ऑफ का, टाइप ऑफ का डेटा टाइप नहीं होता है, बट इसका जो वैल्यू रिटर्न होता है वो किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। ओके नाउ अभी ये थोड़ा मस्त पॉइंट है कि लाइक कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी क्या करता है। तो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी अब ये देख सकते हो कि अभी यहाँ तक अभी आपको ये दिखा रहा था, लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर इसका आपको डेटा टाइप बता रहे, बट इसका भी कोई कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर मतलब अब देखोगे यहाँ पे तो उसको कैसे निकालोगे, जैसे अब यहाँ पे देखो बग स्टॉप हियर डॉट कंस्ट्रक्टर दिया होता है, स्ट्रिंग है, तो इसका जो आउटपुट आएगा स्ट्रिंग फंक्शन आएगा। ओके इसका कंस्ट्रक्टर किस टाइप का बनेगा वो आपको बता रहा है। ओके तो लाइक कंस्ट्रक्टर इज अ प्रॉपर्टी रिटर्न द कंस्ट्रक्टर फंक्शन फॉर ऑल द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। सिंपल यहाँ पे लाइक एरे है, तो एरे ये जो पार्ट है क्या है, एक एरे है। ओके सिंपल अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आओ तो कंसोल को समझ में आएगा। अगर डेटा टाइप आप इसका देखोगे 1, 2, 3, ओके ये क्या बता रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, बट ये किसका पार्ट है, एक्चुअल में एक एरे है। तो अगर यही आप इसमें 1, 2, 3 डॉट कंस्ट्रक्टर पास करोगे तो क्या बोलेगा, ये मैं एक एरे हूँ, इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, बट ये एक्चुअल में ही एरे का पार्ट है। ओके तो अब इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, डेट है, ये क्या है, फंक्शंस है, ये क्या है, नंबर है, ये क्या है, बुलियन है, कुछ भी। जैसे आप वन डॉट कंस्ट्रक्टर दो, वन क्या है, नंबर है, तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास करोगे वन डॉट कंस्ट्रक्टर, आई थिंक इसको वेरिएबल लेना पड़ेगा, लाइक आई, आई नंबर था डॉट कंस्ट्रक्टर, तो क्या आया यहाँ पे, नंबर आया। ओके नेम तुम्हारा क्या था, स्ट्रिंग था, डॉट कंस्ट्रक्टर क्या आया यहाँ पे, वो एक स्ट्रिंग है। ओके तो सिंपली आप आइडेंटिफाई समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर आप 1, 2, 3 समझो एरे के अंदर, एक्चुअल भी एरे था, बट इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट बता रहा है, बट पार्ट किसका है, एरे का है, तो आप कंस्ट्रक्टर से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्चुअल में वो किसका पार्ट है। ओके तो कंस्ट्रक्टर आपको यही हेल्प करेगा। ओके नाउ व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड इन एम्प्टी, ये थोड़ा ध्यान समझिएगा, अनडिफाइंड क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है। जब हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विदाउट अ वैल्यू, लाइक लेट कार, वेयर कार, या यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दिया समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे देखो मैंने डिक्लेयर किया समथिंग वेरिएबल
लाइक वेरिएबल मैंने दिया एज विदाउट वैल्यू, वैल्यू नहीं है इसके अंदर, तो ये जो वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होगा, अनडिफाइंड होगा। ओके वो क्या होगा, अनडिफाइंड, ध्यान समझिएगा। ओके अ वेरिएबल विदाउट वैल्यू हैज द वैल्यू अनडिफाइंड, द टाइप इज ऑल्सो अनडिफाइंड। तो इसका इसमें जो वैल्यू होगा वैल्यू भी अनडिफाइंड रहेगा, और जो इसका डेटा टाइप होगा वो भी अनडिफाइंड होगा। तो सिंपली अगर आप ये जो एज है एज को यहाँ पे प्रिंट करोगे, इसको रिफ्रेश करो, तो टाइप ऑफ एज क्या आ रहा है, वैल्यू इसके अंदर क्या है, सॉरी डेटा टाइप क्या है इसका, अनडिफाइंड। अगर आप एज को प्रिंट करोगे, सॉरी एज, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एज इज नॉट डिफाइंड, वो भी नहीं मिल रहा है, डिफाइंड नहीं मिल रहा है। तो मतलब सिंपली आप क्या समझ सकते हो कि अगर मैं वेरिएबल दे नहीं रहा हूँ तो अनडिफाइंड वैल्यू भी है, ओके, और अनडिफाइंड इसका डेटा टाइप भी है। अगर आप वैल्यू को डबल कोट वैल्यू भी पास कर देते हो, अभी अनडिफाइंड नहीं है, अभी एक एम्प्टी वैल्यू है, ओके, और इसका डेटा टाइप भी चेंज हो चुका है। जो डेटा टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे मैं कोई वैल्यू पास कर दिया, या इसको मैंने 10 पास कर दिया, अब इसका डेटा टाइप चेंज हो गया है, या इसको सॉरी हम लोग अनइम्प्टी देख रहे हैं, अगर मैं इसको डबल कोट दिया मान लो, तो अभी ये लाइक देखो ऐसे भी इसके पास वैल्यू नहीं है, ऐसे भी इसके पास वैल्यू नहीं है, बट दोनों डिफरेंस है। अगर आप इसको ऐसे रखते हो तो अनडिफाइंड में काउंट होगा, इसको आप डबल कोट में रखते हो तो ये एम्प्टी में काउंट होगा। ओके सिंपली अनडिफाइंड मीन्स द वेरिएबल हैव नो लाइक वैल्यूज एंड डेटा टाइप इज अनडिफाइंड, एंड एम्प्टी मीन्स द वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है विद एम्प्टी वैल्यू। ओके नाउ एम्प्टी इधर है, अभी नल है, व्हाट इज नल वैल्यू, नल को क्या यूज करते हैं हम लोग, ध्यान देना, इन जावास्क्रिप्ट नल इज नथिंग, इट इज सपोज टू बी समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मीनिंग समझो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखना, डेट पर्सन है, ये इतने सारे वैल्यू इसके अंदर डिक्लेयर है, ओके, कुछ तो फर्स्ट नेम जॉन है, लास्ट नेम जो दिया हुआ है, अगर मैं इसको नल कर दूँ तो इसका जो वेरिएबल तो रहेगा ये अनडिफाइंड भी नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है, ध्यान देना अनडिफाइंड भी नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है, बट ये खाली हो चुका है, और इसका जो वैल्यू होगा वो नल होगा। तो खाली नल पास करने से ये वैल्यू पूरा किसका क्लियर हो जाता है, खाली हो जाता है। ओके इन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट, नल इज ऑब्जेक्ट, ये आप बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट में ये टाइप का एक बक्स है, जबकि नल है, इसके पास डेटा है ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, बट जो रिटर्न है इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ओके एंड यू कैन ऑल्सो इम्प्टी ऑब्जेक्ट बाई सेटिंग इट टू अनडिफाइंड, अगर आप उसको अनडिफाइंड भी दे दोगे तो भी वो खाली हो जाएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप उसको नल सेट करोगे तो उस टाइम इसका जो डेटा टाइप है वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ये तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर है। ओके इस टाइम अगर आप चेक करोगे तो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट यहाँ पर नल दे दिए तो भी इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ही रहेगा। बट इस टाइम ये ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे अगर आपने अनडिफाइंड किया तो इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ पा रहे हो, इसको अच्छे से समझो, लाइक अगर नल पास करते हैं अनडिफाइंड पास करते दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके नल पास करो तो उसका डेटा टाइप चेंज नहीं हो रहा, बट यहाँ पे अगर अनडिफाइंड पास करते डेटा टाइप चेंज हो जाता है। ओके नाउ तो फिर अभी नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस क्या है। ओके तो टाइप ऑफ अनडिफाइन अगर देखोगे तो अनडिफाइन आएगा, और टाइप ऑफ नल देखोगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, पहला डिफरेंस ये हो गया। ओके दोनों का जो डेटा टाइप है वो अलग अलग है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, नल को नल इज नथिंग और अनडिफाइन इज ऑल्सो नथिंग। तो यहाँ पर डेटा टाइप चेक नहीं, देखो डबल डबल कोट है, डबल इक्वल में क्या होता है, डेटा टाइप चेक नहीं होता, इसलिए इसको ट्रू दिखा रहा है, बट यहाँ पर डेटा टाइप चेक होता है इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पर आप नल इज इक्वल टू अनडिफाइन करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बट अगर इसको आप सिंगल ट्रू दोगे ऐसे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चन ध्यान दो, इंटरव्यू क्वेश्चन लेवल पर होता है कि इसको अगर मैं नल इज इक्वल टू अनडिफाइन करूंगा, नल इक्वल टू अनडिफाइन करूंगा, तो तीनों में डिफरेंस क्या है, ये ट्रू क्या होता है, फॉल्स क्या आता है। तो नल इज ऑल्सो नथिंग, अनडिफाइन इज ऑल्सो नथिंग, इसका डेटा टाइप डिफरेंस है, तो यहाँ पे खाली वैल्यू चेक हो रहा है इसलिए ट्रू है, और यहाँ पे वैल्यू प्लस डेटा टाइप चेक हो रहा है इसलिए फॉल्स है। ओके दोस्तों ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट आप इसको अगर ध्यान से एक बार वापस देखो, कुछ डाउट हो तो क्लियर करो, कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।